हेलो क्लास इलेवेंथ स्टूडेंट, दिस इज डेट 3rd of August। राखी आज क्लास इलेवेंथ का मैथ्स चैप्टर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, 3rd of August, लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर 7 थोड़ा सा हल्के टाइप का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा याद करने वाला टाइप का है, थोड़ा प्रैक्टिस करने वाला है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। क्लास इलेवेंथ मैथ्स चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आज कॉम्प्लेक्स नंबर, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में बुनियादी तौर पर हमने पढ़ा था, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और याद करने का ट्राई करेंगे। कुछ बच्चे काफी अच्छे हैं पढ़ने में, लोग पूछते रहते हैं क्या सारा प्रॉपर्टीज याद करना जरूरी होगा। तो यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, पढ़ना सारा प्रॉपर्टी है। 9th-10th में भी आप लोग बहुत कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं अलजेब्रा में। प्रॉपर्टीज पूरा लाइन बाय लाइन अगर याद नहीं भी होता है तो हम लोग अपना दिमाग लगा करके उसको रख सकते हैं। फॉर्मूला थ्योरम अलग चीज होता है, प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस करते करते थोड़ा बहुत आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा प्रॉपर्टी ज्यादा याद करना है, कौन सा प्रॉपर्टी कम। एज अ मैथ्स टीचर मेरा काम है बताने का कि जितना हो सकेगा जी प्रॉपर्टीज आप याद करने का ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर याद करेंगे। पढ़ते भी रहना है और लिखते भी रहना है, तो कॉन्जुगेट किसको कहते थे याद ही होगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड का बार उसका कॉन्जुगेट दिस इज एक्स माइनस आयोटा वाई, याद होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो ओरिजिनल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने पर आ जाता है ना। तो ये आपको याद करना है, तो थोड़ा सा रिकॉल करो कि कॉन्जुगेट किसको कहते थे। और अगर याद हो गया हो तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग लिख करके याद करने का ट्राई करेंगे। तो प्रॉपर्टीज लिखने से पहले एक बार इसको क्लियर कर लेंगे कि अगर z, मतलब लिखते समय इसको लिख लेना कि z, z1, z2, ये सब को कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेकर के प्रॉपर्टीज लिखा गया है, तो बीच में कंफ्यूज नहीं करना है। z1, z2 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन कौन कौन सा प्रॉपर्टी आपको याद करना है जी। तो पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज थ्योरम नहीं है, प्रॉपर्टी है, प्रैक्टिस करते करते आप एग्जांपल रख करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बोलोगे तो मैं एक आध को वेरीफाई करके दिखा दूंगा, बट प्रॉपर्टीज और थ्योरम में अंतर होता है। प्रॉपर्टी है सदियों से चला आ रहा है, रामायण महाभारत से चला आ रहा है, मिल्की वे एवेंजर्स और डीसी से चला आ रहा है, सुपरमैन से लेकर के राम जी तक चला आ रहा है, प्रॉपर्टीज है। मेरे अलग से एग्जाम्पल रख देने पर सही गलत तो नहीं हो जाएगा, बट वी विल ट्राई, कुछ एग्जाम्पल्स में करके आपको बताता हूं, बट प्रॉपर्टीज है, आप खुद से भी कोई एग्जाम्पल रख लोगे तो आ जाएगा। जैसा पहला प्रॉपर्टी है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से आ जाएगा। नहीं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट किए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, फिर कॉन्जुगेट कर दिए तो इमेजिनरी पार्ट का फिर से साइन चेंज हो गया, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोबारा से वही आ गया। दूसरा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को जोड़ोगे तो सीधा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। जैसे कुछ भी बोलो, जेड अगर है 3 + 5 iota, तो z का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 3 - 5 iota, तो दोनों को अगर जोड़ते हो तो z + z bar बराबर कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये दोनों कट जाएगा। 6 क्या है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z,
है ना, जैसे सेट का रियल पार्ट थ्री था, तो यही है जेड में जेड का कंजुगेट जोड़ोगे तो वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। उसी तरह से जेड में जेड के कंजुगेट को माइनस करोगे तो वो ट्वाइस आई ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। करके दिखाऊं कि हो जाएगा, खुद से एग्जांपल रख करके देखो। जेड अगर जेड बार के बराबर है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने ही कॉन्जुगेट के बराबर है बच्चों, तो क्लियर है कि वो जेड जो है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली रियल होगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, जेड अपने जेड कॉन्जुगेट के बराबर है, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई के बराबर है। ठीक है, जेड जेड के कॉन्जुगेट के बराबर है, जेड जो है वो जेड के कॉन्जुगेट के बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस आई वाई बराबर जीरो बचेगा। ट्वाइस आई वाई जीरो के टू भी कट गया, मतलब आई वाई बराबर जीरो बच रहा है, आई वाई बराबर जीरो बच रहा है। आई वाई बराबर जीरो बचने का क्या मतलब हुआ, इसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो होने का मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल था। उसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ा और अगर जीरो आ गया तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसमें कोई रियल पार्ट था ही नहीं, वो प्योरली इमेजिनरी था। अगला वाला को भी ध्यान से याद कर लोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट के अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के बराबर आएगा। कोई भी एग्जांपल रख लो, अपने से कोई भी एग्जांपल रख लो तो आ जाएगा। z को z के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो z है 3 प्लस 5 आयोटा, z का कॉन्जुगेट है 3 माइनस 5 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, z इंटू z का कॉन्जुगेट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 9 हो गया, माइनस 59 हो गया, प्लस 59 हो गया और ये माइनस 25 आयोटा स्क्वायर हो गया, ये दोनों कट गया, ये 9 हो गया और ये प्लस 25 हो गया। ध्यान से देखोगे 9 क्या था, इसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 था उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 5 था, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कोई भी एग्जांपल रख करके वेरीफाई कर सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के बराबर आएगा। उसी तरह से z1 प्लस z2 का कंजुगेट, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है बट मेरे बोलने से नहीं होता, जितना है जितना प्रॉपर्टी है सब का सब इंपॉर्टेंट है। जैसे z1 प्लस z2 का कंजुगेट, This is z1 का conjugate plus z2 का conjugate करके भी देख सकते हो, अब दो अलग अलग लेना है, नहीं z1 plus z2 का conjugate कुछ ले लो, z1 ले लो 3 plus 5 iota और z2 कुछ और ले लो 4 plus 6 iota, है ना। तो क्या करने के लिए बोला जा रहा है, z1 plus z2 पहले कर दो, z1 plus z2 कितना हो गया 7 plus 11 आया था। ठीक है, अब केवल z1 का कंजुगेट इसका आप कंजुगेट करना है, z1 प्लस z2 का कंजुगेट कितना हो जाएगा 7 माइनस 11 आया था, जैसे इक्वेशन नंबर ए। केवल z1 का कंजुगेट बताओ, z1 का कंजुगेट इस 3 माइनस 5 आया था और z2 का कंजुगेट बताओ 4 माइनस 6 आया था और दोनों को अलग अलग जोड़ दो, z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट दिस विल 7 माइनस 11 आयोटा। इससे पता चल रहा है कि z1 प्लस z2 का कंजुगेट बराबर z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। उसी तरह से z1 माइनस z2 का कंजुगेट बराबर z1 का कंजुगेट माइनस z2 का कंजुगेट। कोई भी एग्जांपल रख करके चेक कर लो, z1 इंटू z2 का कंजुगेट बराबर z1 का कंजुगेट इंटू z2 का कंजुगेट, z1 by z2 का conjugate बराबर z1 का conjugate by z2 का conjugate। Make sure करना कि z2 zero वगैरह ना हो जाए, क्योंकि denominator में zero तो not defined होता है। ये सब property है
ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी है, हम लोग ने याद करना है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सब प्रॉपर्टी याद करना है। बिल्कुल वैसा ही कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों को मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी याद करना है जी, याद करना है जी, याद करना है। तो मॉड्यूलस किसको कहते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y, तो मॉड z होता था अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, याद होगा z, ये मिटा देता हूं या रहने देते हैं, साइड साइड से ही हो जाएगा, z 3 प्लस 5 आयोटा, उसका मॉड्यूलस होता था अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो भी हो जाए 9 प्लस 25 34, ऐसे ही समझने के लिए पहले पढ़ चुके हैं। पहले प्रॉपर्टीज तो नहीं पढ़ा बट मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी याद करेंगे मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें भी वही है z, z1, z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z1, z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं तब क्या होगा, तो तुम बताओ कि क्या होगा। पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जीरो आ रहा है, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है कि वो नंबर ही जीरो हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, अदरवाइज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जीरो नहीं हो सकता। ऐसा वेक्टर में भी पढ़े थे, याद होगा एक वेक्टर का मॉड्यूलस जीरो, याद करो जो लोग मेरे से ही पढ़ रहे हैं, भास्कर शास्त्री वेक्टर में पढ़ा था, एक वेक्टर का मॉड्यूलस जीरो तभी हो सकता है जब उसका इंडिविजुअली एक्स कंपोनेंट भी जीरो हो और इंडिविजुअली वाई कंपोनेंट भी जीरो हो, तभी जाकर के एक वेक्टर का मॉड्यूलस जीरो होता है। उसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है और उसका मॉड्यूलस जीरो आ रहा है भाई, ये तभी पॉसिबल है जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी इंडिविजुअली जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी इंडिविजुअली जीरो हो। उसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालो, या फिर कॉन्जुगेट बोल रहा मॉड्यूलस निकालो, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करके मॉड्यूलस निकालो, या फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे माइनस रख करके मॉड्यूलस निकालो, तीनों केस में ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस सेम आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर इन इक्वालिटी से रिलेटेड है, याद करना पड़ेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का प्लस वैल्यू के बीचों बीच में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का वैल्यू होगा, बीचों बीच में नहीं मतलब उसके बीच में होगा, जैसे कि ऐसे साइड में यहां पर करते हैं, इसी से हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, 4 प्लस 3 आयोटा है जी, है ना, इसका मॉड z कितना होता, मॉड z होता था 16 प्लस 9 मतलब 25, है ना, तो देखो माइनस z का मॉड 25 नहीं 5 हो जाता है ना 5, तो माइनस z का मॉड हो गया माइनस 5, रियल पार्ट कौन था इसका प्लस 4 और प्लस z का मॉड्यूलस कितना था 5, तो कौन किसके बीच में आ रहा है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, यही यहां पर लिखा हुआ है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा भी ये है और इससे बड़ा जो है वो ये है, ठीक है, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, माइनस z का मॉड्यूलस से बड़ा या फिर बराबर होता रियल पार्ट ऑफ z, उससे बड़ा होता इसका पॉजिटिव वाला नंबर, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान रखेंगे इस पर थोड़ा सा, जरा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो और क्या करेंगे
और अभी याद करेंगे। और प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। आई रहा होगा समझ में, फिर भी अभी जेड ले लेते हैं, 3 + 4i और जेड का कंजुगेट हो जाता है 3 - 4i, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड इंटू जेड का कंजुगेट 3 × 9 - 12y + 12y - 16i² = -9 + 16 = 9 + 16 = 25। मॉड जेड कितना होगा, मॉड जेड हो जाता 9 + 16, दिस इज √25, दिस इज 5, और इसका स्क्वायर करते तो ये 25 हो जाता। तो जेड इंटू जेड का कंजुगेट मॉडुलस जेड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे कोई भी एग्जांपल आ रहे, कोई भी एग्जांपल आ रहे बेटा, कोई भी एग्जांपल लेकर के चेक करके देख सकते हो कि ऐसे ही देख लो, Z1 into Z2 का conjugate बराबर individually, conjugate बार बार बोल दे रहा हूँ, sorry बच्चों थोड़ा manage कर लेना, Z1 into Z2 का modulus बराबर Z1 का modulus into Z2 का modulus, उसी तरह से Z1 by Z2 का modulus बराबर Z1 का modulus divided by Z2 का modulus, but make sure कर लेना कि Z2 zero ना हो जाए, Z2 zero ना हो जाए, डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। इसको भी बड़े प्यार से याद कर लेंगे, Z1 + Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर Z1 का स्क्वायर + Z2 का स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 * Z2 का कंजुगेट। कोई भी एग्जांपल आ रहे, कोई भी एग्जांपल आ रहे बेटा, कोई भी एग्जांपल रख करके वेरीफाई कर सकते हो कि Z1 + Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर + Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 * Z2 का कंजुगेट। उसी तरह से Z1 - Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर + Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर - ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 * Z2 का कंजुगेट। और लास्ट प्रॉपर्टी जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है भाई, याद करेंगे, Z1 + Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर + Z1 - Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर + Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी पर ये जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, इसको पहले भी एक बार मैं बता चुका हूं, बट इधर याद करोगे तो एक जगह पर और याद हो जाएगा। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, उसका मॉडुलस अगर 1 है, हर बार नहीं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉडुलस अगर 1 है, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z, वो z के कंजुगेट के बराबर होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस अगर 1 हो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। सिर्फ तब काम करेगा जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होता। पहले भी बताया हूं, z अगर x + iota y है,
तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 बाय z, तो 1 बाय x प्लस आयोटा y, डिनोमिनेटर में i होने से इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, ऊपर तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि z का मॉडुलस हमने 1 माना है, इसका मतलब है कि अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को आपने 1 माना है, इसका मतलब है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को आपने 1 माना है, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 होते ही ऊपर केवल x माइनस आयोटा y बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। सिर्फ तब ये कॉन्सेप्ट के प्रॉपर्टी या फॉर्मूला सिर्फ तब काम करेगा जी, जब आप सियोर हो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 हो, सिर्फ तब। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन सब का अब हमारे हिसाब से आज कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि केसी सिन्हा से ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं क्या। आप केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी सब तरफ से ये चैप्टर अब आप शुरू कर सकते हैं। मेक श्योर करेंगे कि आप पहले क्या क्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर मेरे प्लेलिस्ट से ही पढ़ना, इमेजिनरी नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया है लॉन्ग डिवीजन वाला और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हुए अब आपके पास जो भी बुक है, पहले आप लोग मेक श्योर करें, आज आप लोग मेक श्योर करें कि पहले एनसीईआरटी से कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हो जाए। मैं इसमें अभी दो लेक्चर लूंगा, दो लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस एडवांस एनडीए और आपके स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पर कम से कम दो क्लास में लूंगा, उसके बाद आप लोग किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बनाने लायक हो जाएंगे। आज का क्लास वीडियो यहीं तक रहेगा। रक्षाबंधन सबको मुबारक। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। होमवर्क असाइनमेंट सारा कुछ चाहिए, टेस्ट देना है घर पर बैठ करके मेंस एडवांस स्कूल लेवल पर अगर ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मेरे साथ पर्सनल टच में आना पड़ेगा। एक बार पर्सनली टच में हो जाएंगे, एक बार एक ग्रुप में हम लोग हो जाएंगे, भास्कर क्लासेस में जुड़ जाएंगे, घर पर बैठ करके ही इस पेंडेमिक को हराएंगे और सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिर्फ स्कूल एग्जाम पर ही नहीं, मेंस एडवांस और एनडीए लेवल पर भी। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। आपका काम है कि आप प्रॉपर्टीज के याद करने के साथ साथ एटलीस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आज कर लो, फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। यहीं तक रहेगा आज का वीडियो। थैंक यू।